हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार यादव आज कैलेंडर का फर्स्ट चैप्टर चालू कर रहा हूँ। पहले हम कैलेंडर को चैप्टर में पहले मंथली का कोड लिखते हैं, उसके बाद डे का कोड लिखते हैं। पहले मंथली का कोड होता है जनवरी को 1 लिखेंगे और फरवरी को 4 लिखेंगे और मार्च को 4 लिखेंगे, उसके बाद अप्रैल को 0 लिखेंगे और मई को 2 लिखेंगे और जून को 5 लिखेंगे और जुलाई के 0 लिखेंगे और अगस्त को 3 लिखेंगे और सितंबर को 6 लिखेंगे और अक्टूबर को 1 लिखेंगे और नवंबर को 4 लिखेंगे और दिसंबर को 6 लिखेंगे। मतलब तीन तीन पार्ट में हम बांट देते हैं, तीन तीन पार्ट में बांट दिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ में बांट दिए। फर्स्ट में हो गया मतलब जनवरी और फरवरी मार्च का कोड हो गया 144, मतलब 12 का स्क्वायर हो गया। अप्रैल मई और जून का कोड हो गया 5 का स्क्वायर 025 और जुलाई अगस्त और सितंबर का कोड हो गया 036, मतलब 6 का स्क्वायर हो गया। और अक्टूबर नवंबर और दिसंबर का 144 कोड हो गया, जो 12 के स्क्वायर प्लस 2 जोड़ देंगे तो कोड निकल जाएगा। उसके बाद हम लोग करते हैं डे का कोड निकालते हैं, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो इसका कोड होता है संडे के हम लोग 1 लिखते हैं और मंडे को 2, ट्यूसडे को 3, 4, 5, 6 और 7 लिखते हैं, मतलब संडे को 7 लिखते हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पर चलेंगे। ठीक, और एक होता है ईयर का कोड होता है, जैसे 1900 से लेके 1999 तक का कोड होता है 0 और 2000 से लेके 2099 तक का कोड होता है 6। ईयर का कोड हो गया। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन है 15 अगस्त 1947 का कौन सा दिन था, तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे। तो देखिए, पहले 15 अगस्त है तो पहले डे का लिखेंगे, पहले डे लिखेंगे कि 15 तारीख है तो 15 अगस्त लिखेंगे। और अगस्त का कोड हम लोग क्या बतलाए हैं, अगस्त का कोड है 3, तो 3 लिखेंगे। ठीक, उसके बाद लास्ट का 47 जो है उसका लास्ट डिजिट लिखेंगे 2 को, तो 47 हो गया। ठीक, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मतलब 1947 का जो कोड है मतलब ईयर में कौन सा आएगा। देखिए 1990 का कोड जो है 0, इसी के अंतर्गत ना आएगा 47, इसलिए इसको कोड हम लोग 0 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद लीप ईयर वर्ष होता है, उसमें मतलब 4 से मतलब भाग देंगे, तो उसके बाद हम लोग का शेष 11 आता है। 47 में भाग देंगे 4 से, 7 से, तो उसको हमको 11 मतलब लगता है। और उसके बाद इस सबको जोड़ेंगे तो 15 16 के 6 हो गया और 4 2 6 1 7 76 हो गया। 76 को हम लोग 7 से भाग देंगे, क्योंकि हमको दिन निकालना है, तो 7 से भाग देंगे तो 7 हो गया। इसके बाद उतर गया 6, क्या शेष बचा 6। जब शेष 6 बचा तो देखिए okay. जो हम लोग का शेष जो बचा ना 6, वो कौन सा दिन में आ गया, तो हो गया शनिवार। इसीलिए देखिए फ्रेंड्स, जो सॉरी फ्रेंड मतलब फ्राइडे होगा, मतलब 6 तारीख, सैटरडे नहीं होगा, फ्राइडे होगा 6 तारीख। 15 अगस्त 1947 का कौन सा दिन होगा, तो फ्राइडे होगा, इसलिए 6 से 7 तो इसलिए फ्राइडे होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड नंबर क्वेश्चन कि 2 अक्टूबर 2010 का लिख देंगे और अक्टूबर का कोड देख लीजिएगा फ्रेंड्स, अक्टूबर का कोड हो गया 1, तो 1 लिखेंगे और लास्ट का 2 डिजिट बोले हैं तो 10 लिख देंगे और 2 डिजिट में 4 से भाग देंगे, तो 4 × 8 2 बच गया। और देखेंगे 2010 का कोड क्या है, 2000 से लेकर 2099 तक का कोड 6 है, इसलिए 6 लिखेंगे और टोटल संख्या को जोड़ देंगे, तो 6 2 8 2 10 11 का 1 हो गया
और एक एक दो 21, 21 को हम लोग 7 से भाग देंगे तो 7 त्रिके 21, 21 हो गया हम लोग का जीरो शेष बचा। जीरो शेष के लिए हम लोग का शनिवार आंसर होगा, इसलिए शनिवार आंसर होगा। इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए फ्रेंड्स हम लोग का मंथली का कोड और सप्ताह का कोड याद करना पड़ेगा, इसलिए इस वीडियो में रोक कर मंथली का कोड और मतलब सप्ताह का कोड याद कर ले। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।